दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। और अभी शाम का समय है और आप देख सकते हैं कि मौसम जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है। ऊपर आप देखिए बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जो बादल हैं सुबह से ही हो रहे थे और दिन में इन बादलों की वजह से बहुत तेज़ आज गर्मी महसूस हुई और हवा बिल्कुल भी नहीं चली, इस वजह से उमस भी महसूस हुई। तो दिन में आज हम खेत में काम कर रहे थे तो इस मौसम की वजह से आज बहुत ही तीखी धूप का सामना करना पड़ा और इस वजह से काम करने में काफ़ी समस्या भी हुई, लेकिन फिर भी हम करते रहे काम। और हमारे यहाँ पर अभी गेहूं की फसल का कटाई का काम चल रहा है। और दोस्तों ये जो मौसम हो गया है ख़राब, पानी आता है या फिर हवा चलती है या ओले भी गिर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा मौसम होता है मतलब अचानक वाला जो चौमासा होता है, उसके अलावा इसको जो बोलते हैं ना मावट, तो ये मौसम कुछ भी कर सकता है, यानी कि हवाएं भी चल सकती है, पानी भी आ सकता है और ओले भी गिर सकते हैं। तो अभी फसलें पक गई है लगभग बिल्कुल पूरी तरीके से और कटाई बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही है, तो बहुत ही नुकसान हो सकता है फसलों में। पर क्या करें, अपने हाथ की बात नहीं है, बस प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि ये मौसम वापस ठीक हो जाए ताकि फसलों में नुकसान ना हो। यदि हवा चलेगी तो जो गेहूं की फसल है वह हिलेगी और जब बालियां हैं आपस में टकराएंगी, इस वजह से जो दाने हैं गेहूं के वे थिर जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, तो बहुत नुकसान हो सकता है। और जो पानी आता है तो उससे भी नुकसान ही है। जो धनिया की फसल है तो उसका जो कलर है वह ख़राब हो जाता है और जो हवा चलेगी उससे भी नुकसान है, और ओले गिरते हैं तो ओले तो पूरी फसल को चौपट कर ही देते हैं। तो ये जो मौसम है किसानों के लिए बहुत ही खतरे वाला मौसम है, पर हो रहा है बिल्कुल हवा सुस्त से, एकदम एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है आप देख सकते हैं कहीं पर भी। और दोस्तों अभी शाम का वक्त है, मैं अभी घर आया हूँ, दिन भर से तो हम काम कर रहे थे और अभी मैं जो भैंस को लेकर आया हूँ तो उसको मैं चरा रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ये जो हरा चारा है यहाँ पर इसको खा रही है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तो हमारे जो पैर होते हैं उनको पानी में डुबो देते हैं, ठंडे पानी में, तो बहुत राहत मिलती है। तो मैंने भी ऐसा ही किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, और शरीर बिल्कुल नहीं, मान के चलिए कि बेचैन हो रहा था, गर्मी से बेहाल हो रहा था। तो फिर मैंने जो ठंडा पानी था उसमें अपने पैर उसमें डुबो कर रखे लगभग 8-10 मिनट, उसके बाद फिर मुझे कुछ आराम मिला। तो ऐसा आज का दिन था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और ये जो मौसम है इसकी वजह से भी हम बहुत परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बादल हो रहे हैं ये ऊपर, तो बस पानी नहीं आना चाहिए, ओले नहीं आना चाहिए और हवा नहीं चलना चाहिए, बाकी ये बादल हैं तो ठीक है वो तो, पर ये जो तीन चीज़ें हैं ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए दोस्तों। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्योंकि फसलें हैं बिल्कुल पक चुकी है। आपको दिखाता हूँ, ये गेहूं है हमारा, तो यहाँ पर देखिए एकदम सूख चुके हैं और ये आवाज़ आ रही है, और जब ये बालियाँ आपस में तेज़ हवा से फड़फड़ाएंगी तो गेहूं के दाने नीचे गिर जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या, कुछ नहीं। इसलिए ये जो मौसम है ये बहुत ही गलत टाइम पे हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना, जब फसलों का काम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगी उस टाइम पे पानी आना चाहिए ताकि सबको गर्मी से निजात मिले, राहत मिले, लेकिन अभी तो ज़रूरत ही नहीं। और जब भी ज़रूरत हो उस टाइम पर पानी आना चाहिए तो भी फ़ायदा होता है, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं इसकी, फिर भी हो रहा है। तो अब शाम हो गई है और
थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा तो मैं बांध देता हूँ इसको अंदर, उसकी जो जगह है वहाँ पर। मैं भी आज काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि दिन भर से गेहूँ की कटाई चल रही है और गेहूँ की फसल को काटना सबसे कठिन काम होता है। जितनी भी फसलें होती है उनमें गेहूँ का फसल का काम सबसे ज़्यादा थकाने वाला होता है, तो ये है। इस वजह से थोड़ा आराम करेंगे और ले चलता हूँ अब इसको अंदर।